इस वीडियो में ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर युवराज शर्मा से जानिए क्या है हेयरलाइन फ्रैक्चर, क्या है इसका इलाज और कैसे रखें इसमें सावधानी। नमस्कार। हेयरलाइन क्रैक कोई साइंटिफिक या टेक्निकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, क्योंकि केवल हेयरलाइन क्रैक कह देने से फ्रैक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन पेशेंट की एंजाइटी दूर करने के लिए, घबराहट दूर करने के लिए, उसको समझाने के लिए हम लोग उसको बहुत छोटे या अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर को हेयरलाइन फ्रैक्चर कह देते हैं। हेयरलाइन फ्रैक्चर का मतलब ये हो सकता है कि फ्रैक्चर पूरा कंप्लीट नहीं है, पूरी बोन से केवल बोन की एक वॉल में एक कॉर्टेक्स में ही फ्रैक्चर है, या फ्रैक्चर बेयरली विजिबल है, एक्सरे में नहीं दिख रहा है, या क्लिनिकली डाउटफुल है, केवल सीटी स्कैन में दिख रहा है, या बच्चों के कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जिनको हम जिनमें कि ग्रीन स्टिक जिनको फ्रैक्चर हम कहते हैं, जिसमें कि बोन बकल कर जाती है, मतलब बोन के ऊपर की जो कॉर्टेक्स, एक कॉर्टेक्स थोड़ी सी बेंड हो जाती है, हल्की सी, बोन पूरी टूटती नहीं है, उसको भी हम हेयरलाइन क्रैक कह देते हैं। तो हेयरलाइन क्रैक से ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सीरियस नहीं हो सकता। कई सारे हेयरलाइन क्रैक्स ऐसे भी होते हैं जो कि किसी और चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर है, किसी को बिना चोट के छोटा सा क्रैक आ गया। और कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, पेशेंट को केवल बताना होता है कि कैसे कैसे इसकी केयर करनी है। तो टाइप्स ऑफ हेयरलाइन क्रैक्स में सबसे कॉमन तो बच्चों में जिनको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहते हैं, बाजू में अक्सर बड़े कॉमन हैं, खेलते खेलते बच्चा गिर गया, बिस्तर से गिर गया, एक्सरे कराया तो बहुत हल्का सा माइनर, उसमें बिना हड्डी पूरा टूटे हुए हल्की सी बोन बेंड हो जाती है, तो उसमें ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर उसको हम कहते हैं। एक तरह का फ्रैक्चर हेयरलाइन क्रैक ये है। दूसरे तरीके के फ्रैक्चर्स कुछ होते हैं जो खतरनाक वाले होते हैं। खतरनाक वाले माने कि वो बहुत बेयरली विजिबल है, लेकिन यदि उसको नेगलेक्ट कर दिया गया तो वो खुल जाता है, बाद में बड़ा हो जाता है, या नॉन यूनियन तक में चला जाता है, जुड़ता नहीं है। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं, इसलिए कभी भी फ्रैक्चर का शब्द जहाँ पर आए वहाँ पर कंसल्ट तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को जरूर करना ही चाहिए। वो आपको बताएंगे कि फर्दर इसमें कुछ करना है, फॉलोअप में कितना ध्यान रखना है, कितना नहीं रखना है। कुछ फ्रैक्चर्स जैसे कूल्हे की हड्डी का हेयरलाइन फ्रैक्चर, वो उसमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, कई बारी ऑपरेट भी कर देते हैं ताकि वो डिस्प्लेस ना हो, क्योंकि उसके डिस्प्लेसमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और डिस्प्लेस हो जाए तो सर्जरी होती है, सर्जरी में भी कई बारी तो रिप्लेसमेंट करना पड़ता है और सर्जरी के अपने कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह से टखने की एक हड्डी होती है टेलस बोन, उसका हेयरलाइन क्रैक मिस नहीं होना चाहिए। एक कलाई का छोटा सा फ्रैक्चर, छोटी सी बोन होती है स्केफॉइड बोन जो कि स्पोर्ट्स में हो जाती है, यहाँ पर उसका हेयरलाइन क्रैक वो मिस नहीं होना चाहिए। उसमें प्रिकॉशनरी यदि डाउट भी है और डॉक्टर को भी पहले एक्सरे में नहीं दिख रहा है फ्रैक्चर, तो प्लास्टर लगा देते हैं ताकि वो डिस्प्लेस ना हो, दो तीन हफ्ते के बाद में वो दिखता है। तो वो ऐसा फ्रैक्चर है जिसको बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए और या फिर नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ बच्चों के फ्रैक्चर भी हैं, एल्बो के फ्रैक्चर, कोहनी के कुछ लेटरल कोंडाइल फ्रैक्चर होता है, वो हेयरलाइन क्रैक भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी नेगलेक्ट करने पर उसमें भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। तो कुछ फ्रैक्चर्स हेयरलाइन ऐसे होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पट्टी गर्म पट्टी बांध देंगे, बर्फ़ की सिलाई कर देंगे, या स्प्लिंट दे देंगे, कच्चा प्लास्टर दे देंगे, दे हील बाई देम सेल्फ, अपने आप से हील हो जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो केवल हेयरलाइन फ्रैक्चर का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देना है। कुछ और हेयरलाइन फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स पर्सन्स में, आर्मी रिक्रूट्स में होते हैं, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स उनको हम कहते हैं, या मार्च फ्रैक्चर्स कहते हैं। जो लोग जिनको मार्च पास्ट कराया जाता है, आर्मी की परेड कराई जाती है बहुत बहुत लंबी, 15-15 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर, और पहले से बहुत ज़्यादा चलने के आदी नहीं रहे हैं, तो उसमें भर्ती होने के कुछ दिन बाद चोट नहीं लगती, तब भी एक्सरे कराते हैं तो वहाँ पर क्रैक निकल आता है, तो मार्च फ्रैक्चर उसको हम कहते हैं। वो केवल प्लास्टर से, रेस्ट से, आइस से, इस सब से ठीक हो जाते हैं। कुछ फ्रैक्चर्स जॉइंट के नज़दीक के हेयरलाइन फ्रैक्चर्स होते हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान हमको रखना पड़ता है, क्योंकि लेटर टाइम में यदि वजन लेने वाला जोड़ है और मरीज चल रहा है उस पर हेयरलाइन फ्रैक्चर नेगलेक्ट करते हुए, दिखा नहीं उसको या किसी डॉक्टर को नहीं दिखा, ध्यान नहीं दिया,
तो वो बाद में डिस्प्लेस हो जाता है, फिर वो परमानेंट डिसेबिलिटी या परमानेंट उसमें जोड़ के वेट बियरिंग एक्सिस में चेंज कर देता है। तो हेयरलाइन फ्रैक्चर का वाइड स्पेक्ट्रम है, बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। इट माइट बी हार्मलेस सिंपल फ्रैक्चर, इट माइट बी सम फ्रैक्चर, जो ऐसा फ्रैक्चर हो सकता है जिसपे बहुत ध्यान देना है और रेगुलर एक्सरसाइज कराने हैं या सीटी स्कैन भी कराना है। तो ये कुछ अलग तरह के फ्रैक्चर्स हैं। डॉक्टर साहब एक और जानना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे फ्रैक्चर जो हेयरलाइन होते हैं, जो एक आम आदमी कैसे पहचानेगा कि जैसे उसमें हेयरलाइन फ्रैक्चर, जैसे कई बार क्या होता है कि कहीं गिरे और चोट लगा और उसमें लोग समझते हैं कि वो नॉर्मल चोट है जबकि वो हेयरलाइन फ्रैक्चर हो जाता है, तो एक आम आदमी कैसे समझेगा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है ये? हाँ देखिए, यदि गिरने के बाद अंग में सूजन है, छूने पर दर्द है और वो अंग पूरा ठीक से काम नहीं कर रहा, जैसे हाथ में है तो हाथ की कलाई के मूवमेंट पेनफुल है, नहीं चला पा रहे हैं आप, उंगली के मूवमेंट ग्रिप नहीं बना पा रहे हैं आप, या पैर में है तो वजन लेने में दिक्कत है, तो है ना, या तो फिर उस केस में एक बारी दिखा करके एक्सरे डॉक्टर के एडवाइस पर करवा जरूर लेना चाहिए, और खासतौर से यदि जोड़ के नज़दीक है तो निश्चित ही करा लेना चाहिए। तो कंसल्टेशन इज द बेस्ट थिंग, अपने आप जानने का कोई तरीका नहीं है। कई बारी बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता है और फ्रैक्चर मिस हो जाता है। इसके अलावा ओल्ड एज में खासतौर से मैं कहूंगा सीनियर सिटीजन्स, चूंकि वो हेजिटेट भी करते हैं, आजकल कोविड पीरियड में भी डॉक्टर से अस्पतालों से बचने की सलाह दी जाती है, अच्छी बात भी है, बचना भी चाहिए, लेकिन वो कई बारी जोर से गिरे भी नहीं, केवल जोर से अपने बेड पर बैठ गए या फिर किसी गाड़ी में सफर कर रहे हैं, जर्क आ गया केवल कमर में और ऑलरेडी उनकी बोन्स वीक हैं, ऑस्टियोपोरोसिस है, तो बिना गिरे बिना चोट लगे भी फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो यदि पेन दो चार दिन के रेस्ट के बाद भी परसिस्टिंग है तो जरूर दिखा लेना चाहिए ताकि फ्रैक्चर मिस ना हो, कॉम्प्लिकेशन ना हो। जी सर, हेयर फाइन क्रैक का क्या इलाज है, तो किस तरीके से अगर किसी का कोई गिर गया उसको हेयर फाइन क्रैक है? हाँ, तो जी उसका इलाज क्या है? देखिए, बहुत सारे फ्रैक्चर्स होते हैं वो स्टेबल फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें कि और चेंजेस नहीं आना है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हैं, वेट बियरिंग हड्डी पर वजन लेने वाले फ्रैक्चर नहीं है, शरीर का वजन इन पर नहीं आता है। उसमें जैसे कि बच्चों का ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हाथ का है, उसमें हम लोग आइस लगाते हैं, आइस लगाने को बोलते हैं, थोड़ी स्वेलिंग है, गर्म पट्टी दे देते हैं, गले में पट्टी डाल देते हैं, स्लिंग जिसको हम कहते हैं, उस पार्ट को रेस्ट देने को बोलते हैं, उस पार्ट को मोबिलाइज नहीं करना है, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, सूजन कम करने की दवा दे दी, दो तीन दिन दर्द की दवा दे दी, कैल्शियम विटामिन डी दे दिया यदि बच्चा दूध कम पीता है। तो कुछ फ्रैक्चर्स तो ऐसे होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं करना है, शायद दोबारा दिखाने की भी जरूरत ना पड़े या एक बार और फाइनल पट्टी निकलवाने या एक बार चेक कराने चले जाएं। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रिकॉशनरी प्लास्टर हम देते हैं, जैसे कि कलाई का स्कैफोल्ड बोन का छोटा फ्रैक्चर होता है, वो यदि हेयरलाइन भी है, मैं कह रहा हूँ हेयरलाइन नहीं भी दिख रहा है, केवल हेयरलाइन का शक भी है, तब भी उसमें पक्का प्लास्टर देते हैं और दो तीन हफ्ते बाद दोबारा एक्सरे करा के देखते रहते हैं, वो फ्रैक्चर विजिबल हो जाता है, वो डिस्प्लेस तो नहीं हो रहा है। तो ये फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिनमें प्लास्टर या स्प्लिंट से काम चल जाता है। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हेयरलाइन के बावजूद हम लोग ऑपरेशन की सलाह दे देते हैं, जैसे कि कूल्हे की हड्डी का हेयरलाइन फ्रैक्चर, नेक फीमर का, नेक का फ्रैक्चर, गुल्ले का फ्रैक्चर हेयरलाइन भी होता है, तो उसको वहीं का वहीं स्क्रू डाल करके रोकना होता है, क्योंकि यदि वो डिस्प्लेस हो गया तो फिर वो नॉन यूनियन में जाता है और फिर पूरा कूल्हा बदलना पड़ता है। तो छोटी सर्जरी कर देते हैं ताकि बड़ी सर्जरी से बचा जा सके, और बिना डिस्प्लेस हुए ही उसको ऑपरेट कर देते हैं। तो कुछ हेयरलाइन फ्रैक्चर्स में सर्जरी भी करनी पड़ती है कॉम्प्लिकेशन रोकने के लिए। इसके अलावा कुछ हेयरलाइन फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें चोट की हिस्ट्री नहीं होती और ऐसे ही हो गया, थोड़ा सा वजन उठाया हो गया, एक्सरे में दिखता है हमको कि बोन वहां पर गली हुई है, उनको हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। उसमें हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है हेयरलाइन फ्रैक्चर होने के बावजूद, चोट ना लगने के बावजूद भी, कि भी वो वहां पर ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है, किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, या ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा तो नहीं है। तो उस पर्टिकुलर चीज का जिसकी वजह से हड्डी में कमी आई है उसका इलाज करना पड़ता है। तो अलग अलग फ्रैक्चर, अलग अलग जगह के अलग अलग अप्रोच है। तो अगर किसी को हेयर फाइन क्रैक हो गया तो उसमें
सावधानी क्या बरतनी चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, कि ये नंबर वन तो जो सबसे पहली जो काम हम करते हैं गलत करते हैं अक्सर वो मालिश का है। मालिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इंजरी के बाद। देखिए किसी भी इंजरी के बाद में मालिश नहीं करनी है। और पहलवान लोग मालिश कर देते हैं कई बार जोर से और उसको मैनिपुलेट करते हैं, फोर्स से उसको करने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करनी चाहिए। उससे कई नुकसान होते हैं। एक तो जोड़ में मसल्स में मालिश से इंजरी होती है पहले से इंजर्ड मसल में, और वो जोड़ जाम होने का खतरा रहता है। और दूसरा काम जो नहीं करना, और सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मालिश से। दूसरा काम जो करना चाहिए वो आइस लगाएं आप, गर्म पानी की सिकाई नहीं करें। ताज़ा चोट में, स्पोर्ट्स इंजरी में, आपने स्टेडियम में क्रिकेट मैचेस वगैरह में देखा होगा आइस पैक लगाते हैं वो लोग, तुरंत पैर मुड़ जाता है किसी का या मूंछ आ जाती है तो आइस लगाते हैं। तो आइस से जो हेमेटोमा जो ब्लड का क्लॉट है वो कम जमता है, पेन में आराम मिल जाए। दूसरा कोई भी स्प्लिंट लगा सकते हैं, गत्ते का पीस लगा सकते हैं, कोई इस तरह की चीज लगा सकते हैं जो कि पार्ट को रेस्ट दे, सपोर्ट दे, ताकि वो फ्रैक्चर है उस पर लोड ना आए, फर्दर डिस्प्लेस ना हो। और तीसरी चीज मालिश बिल्कुल नहीं करनी है, गर्म पानी नमक की सिकाई नहीं करनी है। पेन किलर की खुराक आप ले सकते हैं, कोई भी पेन किलर आपके पास आपकी उम्र के वजन के हिसाब से जो पेन किलर घर में है वो ले सकते हैं या मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, मालिश नहीं करवानी है और पहलवान के पास नहीं जाना है, एक्सरे उससे बेहतर करा के दिखा लेना है और आगे का फिर वो ऑर्थोपेडिक सर्जन आपके बता देंगे क्या करना है। अच्छा सर, इस का जो है वो कितने दिन में ठीक हो जाता है? ठीक है, नॉर्मल हाँ, कई सारे वो इसमें होते हैं। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जैसे कि मेटाकार्पल मेटाटार्सल के हाथ के फ्रैक्चर्स, वो दो हफ्ते के बाद में हम लोग एक्सरसाइज शुरू करा देते हैं, 2 से 3 हफ्ते यदि बहुत हेयरलाइन क्रैक है तो। और पेन केवल हम सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं। बच्चों के ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर भी 2 से 3 हफ्ते में हम लोग सिम्टम रिलीव हो जाता है, यूनियन होना शुरू हो जाता है बच्चों में बहुत जल्दी, तो उसमें भी हम लोग 2 से 3 हफ्ते में शुरू करा देते हैं। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जैसे स्कैफोइड फ्रैक्चर है जिसमें कि हमें 6 वीक्स 8 वीक्स लगते हैं और कभी कभी ज़्यादा समय भी लग जाता है, वो एक्सरे देख के पता पड़ता है, चूँकि उनका जब तक एश्योर ना हो जाए कि वो जुड़ गए हैं तब तक उनको नहीं छोड़ते हैं बिल्कुल भी हम लोग। देखिए यदि बिना चोट लगे, हल्का फुल्का चोट लगे, झटके से कहीं से किसी तरीके से फ्रैक्चर हो गया है तो उसको लाइटली ना लें, खासतौर से रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर्स, ओल्ड एज के और कुछ बच्चों के बाजू के फ्रैक्चर्स, किसी तरह का कोई ट्यूमर हो सकता है वो, या बोन का डिस्ट्रक्शन हो सकता है जो कि चोट भी नहीं लगी, हल्का था गिरे या हल्का था खिंचा और वो टूट गया, तो वहाँ पर हमें उसको इन्वेस्टिगेट करा लेना चाहिए डॉक्टर की राय पर कि इसमें अंदर बोन की कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये फ्रैक्चर हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जोड़ के आसपास की चोटें, दर्द, पेन, स्वेलिंग कोई भी है उसको एक्सरे तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, वो एक्सरे कराएंगे। यदि एक्सरे में नॉर्मल दिखने के बावजूद भी डॉक्टर को डाउट है तो वो सीटी स्कैन एडवाइस कर सकते हैं, कुछ जगह पर वो जरूरी होता है ताकि हम कुछ भी बिल्कुल भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि घुटने के जोड़ का फ्रैक्चर, कूल्हे का फ्रैक्चर, टेलस का टखने के नीचे की हड्डी के टखने का पूरा ही फ्रैक्चर, क्योंकि उस केस में नेग्लेक्ट करने से जोड़ खराब हो जाता है, हालांकि शुरुआत में एक्सरे में फ्रैक्चर नहीं भी दिख रहा है या बहुत माइनर दिख रहा है। एक्सरे की क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। आजकल डिजिटल एक्सरे ज़्यादातर सब जगह शहरों में, कस्बों में भी है, गांवों में बहुत कहीं कहीं नहीं है। सामान्य एक्सरे वहाँ पर होता है, बहुत अच्छा टेक्नीशियन है तो वो दिखा देता है, और कुछ एक्सरे ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल व्यूज चाहिए होते हैं, वो किसी अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर पर एक्सरे लैब में जाना चाहिए, तो हिचकना नहीं चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमें लगता है कि हमारे दर्शकों को हेयर फाइन क्रैक से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो पूरी हो गई होंगी, और हम लोग आभारी हैं डॉक्टर साहब कि आप हमारे इसमें आए और आपने अपना समय दिया, हमारे दर्शकों को बताया था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू।